सारे देख रहे हैं। यहाँ पे आके बात करो ना, हम डर के कहाँ जा रहे हैं। ओए ओए। यकीन करोगे, इससे पहले मैंने एक और सेट किया था जिसमें दो रैप निकले थे और उसमें मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया, इसलिए आपके भाई ने शोबाजी के चक्कर में एक और सेट मारा ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मैंने इतना वेट उठाया है। चलो अभी घर चलते हैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालते होंगे, भाई बहन का रिश्ता में आ गया खटास होंगे। ये दोनों अभी भी लड़ रहे हैं, चलो कुछ इसको इग्नाइट करते हैं। इन दोनों को मुझसे शक ना हो, मैं यहाँ से गलती हो जाता हूँ कैमरा सेट करके। यहाँ मैंने कैमरा सेट कर दिया है, एक इधर भी कर दिया है। A few moments later. यहाँ कैसे चिपक गया फोन जाके? आपका काम है ना? मैं क्या करूँगा, पीछे तो पड़े ही हो मेरे इतने दिन से। मम्मी आपका फोन गिरा दी थी। मम्मी इधर आना, देखना मेरा फोन कहाँ छुपा रखा है। मैं छुपाया हूँ? बोले ना, आप ही छुपाए हो अभी। कब बोला मैं? अभी बोले मैं छुपाया हूँ। जी जी जी। मम्मी देखना, ऊपर सीलिंग पे चढ़ा दिया फोन को और चिपका दिया है। लेट हो रहा ऑफिस के लिए। मैं नहाने गया था, मैं कैसे चिपका दूंगा। मैं तो नहीं देखी नहाने कब गए, तब से यहीं पे पड़ी हुई हूं। लेट हो रहा ऑफिस के लिए। क्या कर रहे हो? लगा फोन। हां, और फोन में मैंने नहीं छुपाया। मैं तो नहाने गया था मम्मी। कब गया नहाने ये? लेट हो रहा ऑफिस के लिए, निकाल के दो। क्यों इसको परेशान कर रखे हो? तरीका अच्छा है, यहां पे तो मूवी देख सकते हो। It's not funny. Are you comedy me? तुम देख रही हो, दो तीन दिन से परेशान करने में ही लगे हो। परेशान ही कर रहे हैं, नमूना है नमूना। हाँ मेरा ना, पहले खुद को देख लो। देख लिया। सबसे बड़ी नमूना आप ही हो। आप हो, उतार के दो चुपचाप से। नहीं मैं ये ही उतारेगा, मैं ही उतारूंगी। सुबह सुबह ये फोन यहाँ कैसे गया? आज तो लेट हो जाए, ये ही उतार के देगा फोन। मैं नहाने गया था, मैं कब ऐसे मतलब ऐसे चिपका दूंगा। यहाँ पे आराम से बैठा है, फोन ढूंढ रही हूँ। हगने गए भैया, कैसे करे हगने का काम, वही करते। मौत का खेल स्टार्ट हो चुका है लग रहा है। इधर बीच में ऋषि भी कुछ बोल रहे हैं। दुखी कर रखे हो सुबह सुबह, तुम दोनों के ही काम है आजकल। बाप रे, देखना किस तरीके से चिपका रखा है। दिया ना, खुद ही दिया ना उतार के फोन, इसी की गलती थी। क्या हुआ, क्या किया रोहन? फोन कौन चिपकाया मेरा ऊपर? मैं तो नहीं चिपकाया, मैं तो बाथरूम में था, हग रहा था। रोन ऐसे मत किया, अगर तू स्पाइडरमैन का फैन है दैट डजंट मीन कि तू सबका फोन चिपका देगा जाले से अपने। कभी पेस्ट्री खा जाता है, कभी पिज्जा खा जाता है। तू दोनों पड़ा है रोहित। मैं क्यों पढ़ूंगा? कर रखा है, मैं तो शिल्पा ऑफिस के लेट हो रहे हैं और उसको क्या कर रखा है। तू नंबर वन नमूना है। मैं कहां से लमू? रोहित देखो, ऐसे धक्का मत दो। रोन ऐसे धक्का मत दे, लेट हो रहे थे ना, आप जाओ। कपड़े गंदे होंगे। मार 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 मार, सर फोड़ दे, सर फोड़ दे। कर दिया मैंने दीदी को फाइट भी मार। तो जाओ ना, रोको मैं नहीं। यहाँ पे आके बात करो ना, हम बैठ के कहाँ जा रहे हैं? कल वाला देजा वो चल रहा है यहाँ तो। बोल दिया। हाँ। वहाँ देखने देख रहा है। गए ना? नहीं नहीं। नहीं नहीं। बता। कौन? वापस इधर आके बात करो ना। जाओ फिर, रोको मैं नहीं। फुल बिग बॉस चला रहा घर में। आप तो बोलो ही मत। गुड आफ्टरनून। अपने बर्थडे से लेकर जनरेशन सुपर से शिकायत बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात रोहित से हो रही है? सुबह से 6-7 कॉलें आ चुकी हैं। अगली बार से कुछ अलग तरीके से मजा लूंगा। सर मेरी आपसे बात ना होने के कारण ओके
देखो गाइज, मैं गुस्सा नहीं कर सकता, सुबह से परेशान किया हुआ, इन लोगों ने कम से कम 6 से 7 कॉल आ चुकी है। गाड़ी का इंश्योरेंस ले लो, बाइक का इंश्योरेंस ले लो, किसी का तो ले ही लो इंश्योरेंस। मैं सोच रहा हूँ अपनी एक्स अंकिता का इंश्योरेंस ले लो। इसी तरीके से आप लोगों को ना इन स्पैमर्स लोगों से मजे लेने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जीना किया हुआ है कसम से। आ गई, फेंक दी, इतनी सड़ी हुई शक्ल में क्यों आ रही है? अच्छा, शक्ल ही ऐसी है। तो नहीं आया वो, पहले 20 पैसे भी कौन से बेटे को बोली? कौन लेने आता है? ये आता भी है कभी? ओ, मेरे पास काम बहुत है। मैं बोली तो कह रहा, मैं नहीं आ रहा, जो खाना है वो खा लो। सीरियसली? हाँ। उसका औजार। अच्छा गाइस, मैं आपको पहले ना एक बैक स्टोरी बता देता हूँ। 3 दिन पहले मैंने आईफोन मंगवाया था, 14 प्रो विद द हेल्प ऑफ वर्टसेल। उसने अपने जगह से तो कुरियर कर दिया है और वो मेरे घर पे पहुंचने वाला है। मुझे अभी डिलीवरी गाय की कॉल आ चुकी है। याद है जब आईफोन 12 लिया था तो मैंने मम्मी के साथ क्या मजाक किया था? यही वाला मजाक मैं फिर से मम्मी के साथ करता हूँ। लेट्स सी हर रिएक्शन। कुटाई हो सकती है बिकॉज इस बार थोड़ा मोटा खर्चा है। तो गर्मी इतनी, टी शर्ट दो मेरी। लगता है मेरा कुरियर आ चुका है मम्मी के लिए लेने। ले लो ले लो। क्या हुआ? खाना आया होगा स्विगी से, और क्या हो सकता है? घर में भी खा रहा है, फिर से मैं ऑर्डर कर रहा। आप ये देखो ना, ब्लू डार्ट से स्विगी का खाना आया है। कब हो गया ये? तो तू मेरे नाम से क्यों नहीं मंगाया? अनबॉक्स करिए तो। ये लीजिए चाकू। क्या कर रहा है ये? पर जो भी है मम्मी, आपको अनबॉक्स करने आता नहीं है, मेरी तरह अनबॉक्स किया करो। क्या मम्मी, इतनी बड़े बड़े मसल बनाने का क्या फायदा? ये देख मैंने खोल दी। तरीके से तो पता चल ही चुका है कि वो मूंग दाल का हलवा नहीं है। देखो स्विगी से आपके लिए आईफोन आया है। ये देख रही हो, नया ले लिया है। किसके लिए? मम्मी के लिए, समझी? मेरे लिए आईफोन। मम्मी तरीके से करना, बहुत प्यार से, फ्रेजाइल आइटम है। और आपके लिए मैं कवर पहले से ही मंगवा दिया हूँ। ये रहा आपके लिए कवर। और ऑल थैंक्स टू वत्सल, जिसने हमें ब्राउनी भिजवाया था, उसी ने आपको फोन गिफ्ट किया है। मैंने मुझे फोन गिफ्ट किया है? मम्मी ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद लिया है। मम्मी के लिए? मेरे लिए। हाँ, मतलब वत्सल और मैंने पैसे मिलाए इसमें। ओए होए, आपके लिए आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा लेजेंड मैक्स। क्या कर रहा भाई? ओहो, फाइनली एप्पल वालों ने हमें चार्जर नहीं दिया। ये ब्लडी एप्पल। वैसे है कितने का? गिफ्ट के प्राइस नहीं पूछते मम्मी कभी, आप बस फोन एंजॉय करो। हो अनबॉक्स, आपने तो ये भी हटा दिया। गिफ्ट का कभी प्राइस नहीं पूछते हैं। फिर भी थोड़ा सा अंदाजा तो रहे। कितने का? 10,000। 10,000 का होगा। तो गाइज, मैंने फाइनली अपनी मम्मी को आज, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब से मम्मी वेट कर रही थी एक नए फोन का, तो मैंने मम्मी को फोन गिफ्ट कर दिया। आईफोन 14 प्रो पर्पल डुअल सिम। पहले प्राइस बता। ये अपना आईफोन 11 लेकर आ गई गरीब। देखना ये, देखो ये पीछे से, इसमें 3 कैमरे हैं। ये डीप पर्पल डिमांड में ये वाला कलर, क्योंकि इसी से पता चलता है आपके पास 14 है, वरना तो सारे 13 ही सोचते हैं। ये 10,000 का है, मेरे दोस्त ने मंगाया है कहीं से, ब्लैक में मंगाया है। कवर ये रहा आपको, इसमें पीछे फोन नहीं लगा। 1,50,000 का फोन है, 1,50,000 का। तो मैं बोल तो रहा हूँ ब्लैक में मंगाया है, 1,50,000 का। देखो फोन है, लेकिन मैंने ब्लैक में मंगाया। तो ये ब्लैक में ऐसी सामान आते हैं, हम बेचते हैं यहाँ बैठ के, रेडी लगाते हैं। ये सच सच बताइयो रोहित, कितने का है? सच सच बता रहा हूँ, ये 10,000 का है। खाइयो माँ कसम, 1,50,000 का है मम्मी, 1,50,000 का। माँ कसम खाइयो। अभी अभी जस्ट चाय पिया है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ऋषि आया ना, मैंने रोहन को फोन गिफ्ट किया और अब आपको फोन गिफ्ट किया। ए, मैं आपको फोन गिफ्ट किया हूँ, 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 मैं आपको फोन गिफ्ट किया हूँ। हाँ तो आप रख लो, आप ही के लिए है। कल से यही शूट कर रहा होगा। बैठ जा कहीं आईफोन 11 के साथ अपने। सच्ची बता रहा हूँ मम्मी के लिए। मुझे भी पता है। अब मम्मी के पास 10R था, तो मैंने सोचा कि मम्मी को नया फोन दे देते हैं, इतने टाइम से पुराना फोन यूज कर रहे हैं मम्मी। मम्मी पोस्ट बर्थडे गिफ्ट रख लो। बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे पे तो गिफ्ट रख लो। और कह रहे की पोस्ट बर्थडे गिफ्ट। हाँ, आपके बर्थडे पे ही लॉन्च हुआ था। पर ये अब दे रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो चिड़े की ना, इसने गिफ्ट कुछ दिया नहीं। मैं कुछ नहीं सुन रही।
हाँ मैंने आपको अच्छा गिफ्ट दिया और इसने भी कुछ नहीं दिया, रोहन ने तो आपको कुछ गिफ्ट दिया ही नहीं, तो आप तो सब चिढ़ेंगे ही ना। हाँ अबे चल चल, अब नीति समझा रही है कि फोन कैसे चलाते हैं। डायनेमिक आइलैंड, डू यू इवन नो व्हाट इज डायनेमिक आइलैंड? यहाँ पे एक फिक्स जगह होती है। ओह रोहन इज आल्सो हियर। भाई साहब जो खाने खा लो, बहुत एटीट्यूड आ रहा है इससे। मैं आप करके बात करती हूँ, मुझसे कहता जो खाना है वो खा लो, मैं तो नहीं आ रहा। और देखो देखो मम्मी दो दो हेलमेट लेके जा रहे क्या चल रही है मम्मी देख रहा मुँह दांत काटने की बात चल रही है। तेरे को बड़ा मजा आ रहा ना रोहित, किसके लिए ले गए थे दो हेलमेट जवाब दो। लेकिन मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। आर यू हैप्पी? आपको दिक्कत क्या है? तो अपना 10R किसी को दे दो। आपको दिक्कत क्या है? अपना 10R किसी को दे दो ना। अरे भगवान ब्लॉगिंग चल रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? जैसे ये दोनों घर में आते हैं, घर में वापस हल्ला चालू। मुझे तो आ रहा है मजा, बस पेट छूंगी ना तब रोहित। हाँ तो मेरे आप बच्चे को बस रुलाती रहती हो, मेरे को भी ऐसे बचपन में रुलाती होगी आप। और एक आपका बच्चा आपको आईफोन 14 प्रो दे रहा है। मुझे लग रहा है कि वैसे निधि रोहन को मैंने बीच में कुछ ज्यादा लड़ा दिया है। शकुनी शकुनी क्या करते हैं? षड्यंत्र। बेसिकली ना मम्मी रोज सुबह और शाम ऋषि की मालिश में लग जाती है, मतलब दादी को ना अच्छा काम मिल गया। आवाज सी आई पीछे से। सबको कॉमेडी सोच रही है, मतलब बंदा वीकेंड पे एंजॉय नहीं कर सकता अगर पूरे हफ्ते ऑफिस किया है तो। देखो रिमोट लेके भाग गया। देखो 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 पागल हो गया बिल्कुल। दो रिमोट। अच्छा सुनो, मैं तुम दोनों बाहर खाना खाने ले जा रहा हूँ, रेडी हो जाओ चुपचाप से। मैं नहीं जा रही। मैं तुझे खाना खिलाने ले जा रहा हूँ जिसमें एक बड़ा सा पिज्जा होगा जिसकी तू फोटो भी ले सकती है चैन से शायद। कल क्या दिखा रहा है, रेडी हो ना? गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ गलेरिया। अच्छा तुम दोनों में सुलह हो गई है? मैं तो अभी लेकर आया था इनको यहाँ पर थोड़ा सा खाना पीना करवाने, साथ में थोड़ा सा सिबलिंग बिल्डिंग, यू नो दोनों के बीच में थोड़ा सा प्यार फिर से वापस उमड़ जाए। अच्छा बहुत लोग ये पूछ रहे थे, तुम दोनों जब लड़ रहे थे तो आप करके बात कर रहे थे, तो आप करके क्यों बात कर रहे थे? बचपन से ही ऐसे बात करते, मैं इसको संस्कार सिखाना चाहती थी, इसको मैंने पाला बचपन से, तो मैंने सोचा मैं इससे आप करके बात करूंगी ताकि लोग इससे बात करें और मेरे से ही लड़ता है। दो हेलमेट लेके घूमता है, चार चार लड़कियां आगे पीछे बैठा के रहता है। संस्कार की कमी हो गई है एंड अपेरेंटली बॉन्डिंग निधि और रोहन की मेरे से ज्यादा अच्छी है। क्या हुआ रोहन, ये अकेले अकेले खा रही है? तुझे खाने दे रही? खा ले फिर चीन के, 500 रुपए लेगा। बेचारे दो दिन से लड़े बैठे थे, कुछ तो करना बनता है ना बड़े भाई का, कुछ तो फर्ज बनता है ना। आखिरकार लड़वाने वाला तुम भाई। देखो जल्दी से खा रहे लास्ट स्लाइस के लिए निधि मोदिक। ओ माय गॉड सारे देख रहे हैं। घबरा मत, ये वो वाली पान वाली जगह नहीं है जहां पर मुंह में दे दिया जाता है पान। पान देते हैं मैं नहीं समझता तेरे से, मीठा पान है, मीठे लोगों के लिए मीठा पान, मतलब स्वीट गाय, यू आर अ स्वीट गाय एंड दैट्स माय बनारसी पान। सादे लोग हैं हम, सादा जीवन। बेइज्जती से बचने की कोशिश करते हुए ये देखो पान को चाट पकोड़े की तरह खा रहे हैं। आगे कौन बैठ रहा है? मैं अकेला बैठ रहा हूँ आगे। मेन मंत्र है तो यही है, लड़ाई लगवाता है हमारे बीच में। तो मैं लेकर भी आया ना खिलाने, जब लड़ाई करवाई है तो सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढना होगा। रोहन मैंने तुझे फोन दिया था, भूल मत। कीप काम। ए ड्राइवर जस्ट स्टार्ट द कार एंड जस्ट ड्रॉप। ओटीपी चाहिए क्या? मेरे खिलाफ बगावत करोगे, उठो। क्या कह रहे हो?
फोन तुमने अपने लिए मंगाया था ना? मम्मी के लिए मंगाया था सच्ची, तेरी कस मुझे पागल बना रहे हो।